अमरोहा के गजरोला में किसान यूनियन अराजनीतिक की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों ने सरकार को बिजली के बिल, खाद और गन्ने की पेमेंट को लेकर घेरा, जिसमें ग्राम मोहरका पट्टी के रहने वाले पूर्व प्रधान को गजरोला ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जहां बैठक में पहुंचे सीओ उमेश सिंह राष्ट्रीय महासचिव ने अपने विचार रखते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। मेन संकट तो देखिए बिजली खाद दोनों ही है, क्योंकि फसलों के लिए दवाइयां, पानी, बिजली, दवाई, खाद, ये किसान की आवश्यकता है। उसके बाद उसके उपकरण जैसे ट्रैक्टर हैं, उसके हल हैं और सब चीज़ें हैं, ये जब तक सस्ती नहीं होंगी किसान की लागत बढ़ रही है, फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। ये लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले। जब तक लाभकारी मूल्य नहीं है, जब तक वो सब्सिडी दे, जबकि सब्सिडी में सरकार कटौती कर रही है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। आज तुम हमें लाभकारी मूल हर फसल का दे दो, हम जो है आपसे भीख नहीं मांगेंगे, कोई सब्सिडी नहीं, ना कोई बिजली फ्री मांगेंगे, ना खाद फ्री मांगेंगे, ना उपकरणों पर, जो उपकरण फैक्ट्री से आएगा उसी कीमत पर हम भी लेंगे। लेकिन कम से कम हमारी फसल जो आज गन्ना 450 रुपये को बिकना चाहिए वो 350 को है, जो गेहूँ का दाम 2700 रुपये होना चाहिए वो 2000 है, जो धान का दाम 2700 होना चाहिए वो 2000 है। भाई एक क्विंटल का 700-700 1000-1000 नुकसान जब सरकार किसान को दे रही है, तो उसको हमें सहायता देनी चाहिए। शिव साहब, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रह गया है। भाजपा सरकार जो चल रही है, वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसका एक ही नारा है कि किसान, मतलब किसान का, आम व्यक्ति का, सबका विकास हो रहा है। लेकिन महंगाई ने, मुझे लगता है, क्या जो आम व्यक्ति है उसकी कमर तोड़ दी, क्या करें इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बात है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, लेकिन किसान की तो कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। किसान की चीज़ महंगी हो जाती है तभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीनी महंगी हो जाए, टमाटर महंगा हो जाए, दाल महंगी हो जाए, पूरा हिंदुस्तान आहा कर देता है, तो किसान कैसे उठेगा? तभी तो हम कहते हैं या तो किसान की लागत कम कर दो, जो तुम MSP दे रहे हो हम उस पर राजी हैं, लागत भी कम करने को तैयार नहीं है और दाम भी देने को तैयार नहीं। किसान तो दोनों पार्टों के बीच में मरा, महंगाई की मार भी झेल लिया है और सस्ता अपनी जींस भी बेच रहा। वहीं इस बारे में ब्लॉक अध्यक्ष असलम ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। जी असलम भाई, आज आपको गजरोला ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, उसने किसान यूनियन ने, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? किसान ने मुझे इश्लाह समझा और मुझे ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इश्लाह समझा तभी तो मुझे उनका ब्लॉक अध्यक्ष किया है, और मैं इस पद की गरिमा को रखते हुए किसान यूनियन में बड़ी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी के साथ काम करूँगा, और जो मेरे किसान भाई हैं पर अत्याचार होगा वो अत्याचार भी नहीं होने दूँगा, जो मेरे किसान की जायज परेशानियाँ हैं उन्हें सोल्व कराऊँगा। मेरा जिला अध्यक्ष साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके स्तर तक इनकी मांग उठाऊँगा किसानों की। अच्छा, कितने लोग आपके साथ इस मीटिंग में आए हैं? 50-60 लोग मेरे जो आज किसान यूनियन में आए हैं और ज्वाइन किए 50 लोगों ने। आपको बता दें कि इस बैठक में सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि बैठक का क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। न्यूज डेस्क, अमरोहा TV।